नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नामांकन फॉर्म दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, तिलक राज बेहड़, प्रेम सिंह राणा, भुवन कापड़ी, सुमित हृदयेश भी, देश चौहान सहित कई दिग्गज कांग्रेसी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है, भाजपा के जनप्रतिनिधियों को आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इसका जवाब मतदान वाले दिन जनता भाजपा को अवश्य देगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनता जनार्दन का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है। आज हम देखते हैं कि चाहे वो सरकारी उपक्रम हो चाहे वो प्राइवेट संस्थान भी हो, हमारे हजारों हजारों नौजवान वहाँ अनुबंध के आधार पर नौकरी करते हैं। एक नौजवान जो अनुबंध के आधार पर नौकरी करता है उसको 12-14 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, लेकिन वही अगर वो स्थायी नियुक्ति पा जाता है कहीं पर तो 35 से 40 हज़ार रुपये उसको मिलती है। आप ये देखिए कि 35 से 40 हज़ार की योग्यता वाले नौजवान को हम 12-14 हज़ार रुपये, उसमें भी 11 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, असुरक्षित उसका भविष्य है। ये मुद्दे हैं, हमें इसमें कहीं ना कहीं समानता लानी पड़ेगी। बहुत से ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, 5 साल में मैं अभी तो मुझे अनाउंस हुए, मुझे पार्टी ने घोषित किए हुए मात्र 3-4 दिन हुआ है, पर इस बीच में मेरा जहाँ जहाँ संपर्क हुआ या इसके पहले मैं संपर्क में रहता हूँ, लोग कहते हैं कि 5 साल में उन्होंने सांसद की शक्ल नहीं देखी। दूरस्थ क्षेत्र इस लोकसभा बेताल घाट जैसे क्षेत्र उखलकांडा धारी, लेकिन वहाँ के लोगों ने सांसद को देखा ही नहीं उन्होंने पिछले 5 साल में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनता उन्हें इस बार बिल्कुल जवाब देगी, बदलाव देगी और हमें भारी बहुमत से जिताएगी। देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, देश को बांटा जा रहा है, देश में की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। एक ऐसा वातावरण है देश में, पूरे उत्तराखंड में डर का, भय का, और आज पूरा आवाम बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है और जनता बहुत जागरूक भी हो चुकी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।